यो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज का जो आपका क्लास होने वाला है वो है प्रोबेबिलिटी, यानी आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। और प्रोबेबिलिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे हाथ मिलाने वाले प्रश्न और उपहार देने वाले प्रश्न। और ये जो आज का जो क्लास है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे ही जा रहे हैं। ऐसे GD हो या फिर ग्रुप डी का हो या फिर कोई भी मतलब एग्ज़ाम हो, ये अक्सर करके सवाल पूछे ही जाते हैं, हाथ मिलाने वाले प्रश्न और बाहर देने वाले प्रश्न। ठीक है, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है कि एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो वे कितनी बार हाथ मिलाएंगे। क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़िए और बनाने का भी प्रयास कीजिए। एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो वे कितनी बार हाथ मिलाते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको बनाएंगे कैसे है? यानी कि 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, वो आपस में हाथ मिलाते हैं तो पूछा गया है कि कितनी बार वो हाथ मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसका फार्मूला पहले हम लोग इसके जानते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला आपका हो जाएगा n(n-1)/2। ठीक है, n(n)(n-1)/2, तो ये आपका फार्मूला हो गया। और इसी पर देखिए अब ये सवाल कैसे बनेगा। पूछता है कि 10 व्यक्ति, यानी 10 व्यक्ति जो दिया गया है ना, वो n का वैल्यू दिया गया है 10, ठीक है, इनटू उसके बाद फिर बुझा है n का वैल्यू हो गया आपका 10 और माइनस कितना है 1, ठीक है, तो 1 और बटे में कितना करना है आपको 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से काट दीजिए, 2 × 5 कितना हो गया 10, अब 5 गुना में, अब 10 में से ये घटा दीजिए कितना बचेगा आपका 9, आंसर कितना हो जाएगा 45, ये आपका आंसर हो गया 45। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब दूसरे नंबर प्रश्न पर। बहुत ही आसान प्रश्न है, दूसरा नंबर भी बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर आपका दूसरा है कि एक पार्टी में उपस्थित 15 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, एक पार्टी में उपस्थित 15 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं तो बताओ वे कितनी बार हाथ मिलाएंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है और अच्छा वाला है, आप पहले वाला प्रश्न जैसा ही है आप उसे बनाएं। ठीक है, देखिएगा 15 लोग उपस्थित एक पार्टी में हैं तो पूछता है कि कितनी बार वे आपस में हाथ मिलाते हैं, यानी एन का जो वैल्यू दिया गया है वो 15 है। ठीक है, एन यानी कि 15 व्यक्ति, तो 15 यहाँ लिख दिए हम, उसके बाद एन फिर यहाँ लिखेंगे 15, ठीक है, माइनस 1, ठीक है, डिवाइड कितने कर देंगे 2। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे 15 गुना में, 15 में से एक घटाएंगे तो कितना आपका बचेगा, 15 में से जब एक घटाएंगे तो आपका 14 हो जाएगा, तो यहाँ हम 14 लिख दिए। ठीक है, अब बटा में लिख देंगे हम लोग 2, अब 2 से इसको काट दीजिए, इसको हटा दीजिए, 2 × 7 कितना हो गया आपका 14, 2 × 7 = 14, तो जो आपका आंसर हो गया 15 × 7, तो 15 × 7 कितना हो जाएगा आपका, 15 × 7 कितना हो गया आपका आंसर 105, ये आपका आंसर हो गया सेकेंड। अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर, वो भी बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तीसरा नंबर आपका प्रश्न है बहुत ही इजी है, देखिएगा तीसरा प्रश्न आपका है कि एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित है, यानी एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित है और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है। ये देखिए ये कुछ अलग प्रश्न है, पहला दूसरा आपका सेम प्रश्न था और तीसरा इसे थोड़ा अलग है। यानी कि एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, ठीक है, तो कुल कितनी बार उपहार दिया जाएगा। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न हम कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इसमें पूछा क्या गया था पहला वाला में कि वो कितनी बार हाथ मिलाते हैं ना, तो हाथ मिलाने वाला में क्या था कि 2 से डिवाइड करना था, ठीक है, या फार्मूला था इसका। और जब उपहार देने की बारी आए तो उपहार देने वाला में सिर्फ हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे n(n-1)। ठीक है, तो आपका इसी पर बनेगा, यानी एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं तो 12 लिख दिए, उसके बाद गुना n का वैल्यू फिर 12 दिया गया है और -1 कर दिए। ठीक है, अब देखिए 12 हो गया यहाँ पर आपका गुना और एक घटा दीजिए, 12 में से एक जाएगा कितना बचेगा आपका 11, आपका आंसर हो जाएगा 132 आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी प्रश्न है, देखिएगा मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है,
ये व्यक्ति इसको उपहार दिया, ये व्यक्ति पहला वाला व्यक्ति दूसरे को एक उपहार दिया और दूसरा वाला व्यक्ति इसको उपहार दिया, तो उपहारों की संख्या कितनी हो गई? उपहारों की संख्या दो हो गई। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति इसको दिया और ये व्यक्ति इसको दिया, कितने हो गई? दो हो गई। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न नंबर फोर्थ क्या है। एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, यानी कि एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिलाया गया। देखिएगा ये कुछ सबसे अलग है, इसको बनाएंगे कैसे, ये भी हाथ मिलाने वाला प्रश्न है। हाथ मिलाने वाला प्रश्न जब भी आपसे पूछेगा तो उसका फार्मूला होगा एन, एन माइनस वन बाई टू कर देंगे, एन एन माइनस वन बाई टू कर देंगे, तो ये आपका हाथ मिलाने वाला प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अगर उपहार देने की बारी आए तो एन एन हो जाएगा, एन एन इंटू माइनस वन कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा उपहार देने वाला प्रश्न। ठीक है, ये उपहार देने वाला फार्मूला हो गया और ये हाथ मिलाने वाला फार्मूला हो गया, और दोनों को याद कर लेंगे बहुत ही प्रश्न आपसे इजी बन जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न आपका देखिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिलाया गया। हाथ मिलाया गया 55 बार, इसमें पूछा नहीं गया कितने व्यक्ति थे, इसमें आपको बताना है कि व्यक्ति कितने थे, और कुछ कुल 55 बार हाथ मिलाया गया तो व्यक्तियों की संख्या आपसे इसमें पूछा गया है, तो व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा इसी फार्मूला को हम पुट करते हैं, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम लोग एन लिख लेंगे गुना एन माइनस वन, ठीक है, बट्टा भी हम लोग दो लिख लेंगे, बराबर है हम लोग लिख लेंगे कितना 55, यानी कि जो हाथ मिलाने की प्रक्रिया है ना वो आपका यानी कि कुल 55 बार हो रहा है, इस प्रकार हाथ 55 बार मिलाया गया। तो देखिएगा हम लोग चलेंगे हम लोग ऑप्शन बाय चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन पहला नंबर आपका क्या है, फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन है इसमें 10, तो हम लोग 10 यहाँ पुट करेंगे, एन के जगह पर हम लोग 10 पुट करेंगे, गुना कर देंगे यहाँ पर, फिर एन का वैल्यू 10, ठीक है, माइनस वन कर देंगे बटे में दो, बराबर यहाँ 55। जो ऑप्शन हमको 55 दे दे, जो ऑप्शन क्वेश्चन में अगर 55 में ऑप्शन दे दे वही समझिए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 10 गुना में 10 में से एक जाएगा आपका कितना बच गया 9, बराबर हो जाएगा कितना आपका 2, बराबर 55 लिख दीजिए। अब यहाँ से काट दीजिए 2 × 5 = 10, 5 बार में कट गया, आपका गुना करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, बराबर 55। तो ये मेरा आंसर नहीं हुआ क्योंकि 55 आना चाहिए, जब यहाँ 55 है तो 55 आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन दूसरा हम देखते हैं, आपका दूसरा नंबर ऑप्शन है 11, दूसरा नंबर कितना है आपका 11, तो हम 11 पुट कर देते हैं एन के जगह पर 11, फिर यहाँ पर 11 माइनस 1 कर देते हैं और बाई 2, बराबर हम लोग यहाँ 55 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 11 यहाँ लिख दीजिए आप गुना 11 में से एक जगह कितना बचेगा आपका 10 बच गया, और बट्टे यहाँ कितना लिख देंगे 2, ठीक है, और बराबर यहाँ 55 आप लिख दीजिए। ठीक है, देखिएगा आप 2 से काट दीजिए 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, अब 11 × 5 = 55 गुना कर दीजिए 11 × 5 = 55, यानी कि 55 = 55 आपका ये आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो था 11, यानी कि 11 रखने पर आपका 55 आंसर आ गया। ठीक है, यानी जो व्यक्तियों की संख्या थी ना वो 11 थी, व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 11, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, यानी कि 11 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं पांचवें प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी प्रश्न है, देखिएगा कैसे बनाएंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 8 व्यक्ति 11 व्यक्तियों के 2 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे? बहुत ही इजी प्रश्न है, देखिएगा 5 नंबर, देखिएगा पहला 2 ग्रुप है, ये मान लीजिए कि फर्स्ट ग्रुप है और ये मान लीजिए सेकेंड ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में बोलता है कि 8 व्यक्ति है और सेकेंड में बोलता है 11 व्यक्ति है, और आगे है कि 2 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं, यानी कि दोनों एक जगह पर मिलते हैं, और इसमें पूछा है कि वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो पूछा है कि तो बताओ कितनी बार वो हाथ मिलाएंगे। देखिएगा ये व्यक्ति इससे हाथ मिला दिया, ठीक है, या फिर ये व्यक्ति इससे हाथ मिला दिया, तो ये प्रक्रिया कितनी बार हुआ,
ये 8 वाला 11 से मिला या फिर 11 वाला 8 से मिलाया, तो 8 गुना में 11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 88 हो जाएगा आपका। एक 88 इससे ये मिलाया फिर इसे ये मिलाया तो कितना हो जाएगा, 88 आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इस बार हम लोग दो व्यक्ति वाला पढ़े थे, यानी कि दो ग्रुप, इसमें दो ग्रुप था, इस बार हम लोग तीन ग्रुप वाला पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा क्या है कि 6, 8 तथा 10 व्यक्ति, 6, 8 तथा 10 व्यक्ति के तीन ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा सभी आपस में हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। इसमें तीन ग्रुप है, इसमें तीन ग्रुप है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकेंड और ग्रुप नंबर थर्ड, ठीक है। पहला में आपका 6 है, फर्स्ट ग्रुप में 6 व्यक्ति, और दूसरे ग्रुप में हो गया 8 व्यक्ति, दूसरे ग्रुप में 8 व्यक्ति, और तीसरे ग्रुप में कितना हो गया, 10 व्यक्ति, तीसरे ग्रुप में कितना हो गया, 10 व्यक्ति। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए पहला वाला जो व्यक्ति है इस दूसरे वाले व्यक्ति से हाथ मिलाएगा, ठीक है, दूसरे वाले व्यक्ति से हाथ मिलाएगा। मान लीजिए एक ग्रुप में 6 आदमी हैं और दूसरे ग्रुप में 8 व्यक्ति हैं, है ना, तो आपको 8ों से हाथ मिलाना होगा, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या कि 6 और गुना में 8 कर देंगे, ठीक है, 6 गुना में 8 कर देंगे। अब जो ये पहला वाला व्यक्ति है ये तीसरे हाथ से मिलाएगा, मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा। छठा जो व्यक्ति है, पहला ग्रुप के जो 6 व्यक्ति हैं ये तीसरे वाले से हाथ मिलाएगा, तो तीसरे में कितना है, 10 व्यक्ति हैं, तो 6 गुना 10 कर देंगे, 6 गुना 10 कर देंगे। अब देखिए ये इससे मिलाया और ये इससे मिलाया, इसका काम हो गया। अब हम लोग इस पर आते हैं, अब ये व्यक्ति है ये हाथ से मिलाएगा, ये जो 8 है ये 10ों से मिलाएगा, तो 8 गुना में हम लोग 10 कर देंगे, ठीक है। ये इससे मिला या फिर ये इससे मिलाया हो गया, यानी कि तीनों प्रक्रिया मेरा जो काम हो गया, तो इसको अब गुना कर दीजिए, तो 6 बटे कितना हो गया आपका, 48, और 10 छक्का कितना हो गया आपका, 60, और 10 अट्ठे कितना हो गया आपका, 80। अभी सबको जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 8, और 6, 4, 10, और 8 कितना हो गया आपका, 18। यानी जो ये प्रक्रिया चला आपका हाथ मिलाने का 188 बार, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए एक बार फिर से समझते हैं। तीन ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। पहला ग्रुप में 6 व्यक्ति और दूसरे ग्रुप में 8 व्यक्ति, ठीक है, और तीसरे ग्रुप में 10 व्यक्ति है। ये जो पहला वाला ग्रुप का व्यक्ति है ना, ये इससे हाथ मिलाता है, पहला वाला ग्रुप का व्यक्ति इससे हाथ मिलाएगा, और जो फिर यही जो फर्स्ट ग्रुप का व्यक्ति है ना, ये तीसरे वाला से हाथ मिलाएगा। यानी कि 6 गुना में 8 कर दिए और उसके बाद 6 गुना में 10 कर दिए, ठीक है, इसका काम हो गया दोनों का, इससे भी हुआ इससे भी हुआ। अब ये बच गया, तो ये वाला व्यक्ति जो बच गया ना, इससे हाथ मिलाएगा, किससे मिलाएगा, 10 वाला से हाथ मिलाएगा, ठीक है, तो 8 गुना में 10 कर दिए तो कितना हो गया आपका, 80 हो गया, और इसको जोड़ देंगे तो 188 हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, और मुझे पूरा उम्मीद होगा कि आज मैं जितना भी प्रश्न बताया हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगले बार हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में कुछ टाइप 2, ठीक है, और फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप इस चैनल पर अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का आइकन को दबा लें। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए मैं आप लोग से बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हो सकता है तो शेयर भी कर दिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।